Hello everyone, I'm live from Ibn Battuta Mall. Okay, this is Ibn Battuta Mall. And मैंने सोचा कि हम किसी बाहर जगह से लाइव करते हैं. Okay, look at this, so beautiful. I just wanted to show this to you. मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ, मैं काफ़ी बारी आ चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ का जो आर्ट है ना, इतनी खूबसूरती से बनाया गया है, आई जस्ट लव इट. ओके, सो आई वॉन्ट टू शो दिस टू यू. मतलब शॉपिंग तो है ही, उसके साथ साथ यू गेट टू सी सच ब्यूटिफुल आर्ट. सी, यहाँ खड़े होकर बहुत सारे लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई होगी. आई एम सो सो श्योर. सी, I'm showing Dubai to you. Very less people, everyone's wearing mask. सबसे अच्छी बात है. Everyone's obeying the rules. मतलब 50% से भी कम लोग होंगे इस वक्त मॉल में, मुझे ऐसा लगता है. So which is a very good thing. So you feel safe basically. आपको डर है लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि कोई आपके पास नहीं आके खड़ा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है. यू नो, सी, खाली है एकदम, एक दो लोग अंदर हैं बस. सो या, दिस इज़ इब्न बतूता मॉल फॉर यू. अब जिन लोगों को ये लग रहा है कि उपासना क्यों नहीं दिख रही है, वो उपासना भी दिखा जाती है अपनी शक्ल आपको. कैसे हैं आप? ओके, सो आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट वट एवर यू वॉन्ट टू नो इब्न बतूता के बारे में. कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछिए. हाय, हेलो, जितने भी लोग आए हैं अभी ज्वाइन किया है, फेस तो दिखाओ. देखो, मैं मास्क नीचे नहीं कर सकती, तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा मेरा फेस. Because I also want to obey the rules. कौन सा मॉल है? हिमांशु इब्न बतूता मॉल है ये. वो जो फिल्म आई थी ना, दिल तो बच्चा है जी, कौन सी फिल्म थी, नाम बताओ, याद है? उसमें ये गाना था ना, इब्न बतूता, ये वही वाला इब्न बतूता है. I don't know if you can hear me. आप सब सुन सकते हैं ना मुझे? आवाज़ आ रही है ना, क्योंकि मैं तो चलते जा रही हूँ. चलो आपको मॉल दिखाएं थोड़ा सा. तो यहाँ पे इब्न बतूता में ना कोट्स हैं डिफरेंट, जैसे चाइना कोट, इंडिया कोट. सो ये जो कोट्स हैं सारे, बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट आर्किटेक्चर है. तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो था पर्शिया कोट, और ये वाला मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा कोट है. सो सी, इट्स अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर. आई लव द लाइट्स हियर, वो जो हैंगिंग लाइट्स हैं, आई जस्ट लव द शैंडलियर्स. लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल. हाँ, देयर इज अ कार, प्रमोशन हो रही है किसी गाड़ी की. क्या क्या शॉपिंग कर लिया है मेरे लिए? उमा जी, मैंने अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की अभी तक. ओ गॉड, यू हैव टू सी दिस. मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, ये देखो, सी, सो नाइस. ओके, आई विल जस्ट स्टॉप एंड मेक यू सी. Zoom it out. अच्छा स्पॉट तो देखो ये है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. मैं मन भी कर रहा है यहाँ पर बैठ सकें तो, पर बैठ नहीं पाएंगे. मैं आपको दिखाती हूँ इसको आगे से. तो आपको लाइव इब्न बतूता मॉल दिखा रही हूँ मैं. आस्क मी क्वेश्चंस, व्हाट डू यू वांट टू नो. गौरांग,
सी इट्स रिवॉल्विंग बेसिकली जेब में जूता नहीं है हिमांशु बगल में जूता है हाउ अबाउट द वेकेशन देखो 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 अब दिस इज फेसिंग अस Yes, yes, I am vaccinated, Sunil Nigam. I am vaccinated, my family is vaccinated, thankfully, by God's grace. So yeah, this is Ibn Battuta for you. यहाँ पर बज रहे हैं 6:40 और आपके वहाँ हो रहे हैं 8:10, yeah? I think this is Egypt code, if I'm not wrong. This is Egypt court. मैं भी टॉम एंड जेरी से भी मिली थी यहाँ पर टॉम एंड जेरी घूम रहे थे सो आई जस्ट मेट देम मजाक नहीं कर रही उमा यार आपने लिए तो हर कोई करता है आप मेरे लिए ले लेना उमा जी रियली आई एम टेलिंग यू कि मैंने नहीं करी है शॉपिंग आई रियली हैवंट आपने स्काई डाइविंग की है दुबई में नहीं अभी कहाँ फिर टॉम एंड जेरी का कियोस्क लगा हुआ है और यहाँ पे टॉम एंड जेरी थोड़ी देर पहले थी वो किसी ये दिख रहा है आपको ये देखो मतलब मॉल आके आप ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि हर जगह पे फ़ोटो खिंचवा लो ऐसा लगेगा कि मतलब मैं यहाँ पे भी खड़ी हो जाती हूँ यहाँ पे भी खड़ा हो जाता हूँ और यहाँ पे भी फ़ोटो खिंचवा लेता हूँ लुक एट दिस इज इब्न बतूता मॉल का इजिप्ट कोर्ट सो द पीपल वर आस्किंग मी स्काई डाइविंग की है नहीं दुबई में नहीं अभी मैंने नहीं करी है बट ऑफकोर्स आई विल डू हिमांशु आपने कुछ नहीं लिया नहीं मैंने अभी तो कुछ नहीं लिया है मैं बस थोड़ी देर पहले आई हूँ एंड मैं सोच रही थी कि पहले मैं लाइव कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आराम से शॉपिंग करूँगी अगर मुझे करनी हुई तो वैसे ऐसे कोई शॉपिंग मुझे करनी नहीं है ओके हाय एवरीवन इट्स मी टॉम एंड जेरी दिखाओ ना प्लीज अरे टॉम एंड जेरी चले गए हैं अब यार विंडो शॉपिंग के लिए आए हो आप यस मोहित बैंग ऑन विंडो शॉपिंग इज़ मैंने जैसे कि हमेशा कहा है शॉपिंग इज़ अ थेरेपी एंड विंडो शॉपिंग इज़ ऑल्सो अ थेरेपी यू फील गुड ट्राई ऑन थिंग्स लेना है कि नहीं लेना है वो तो बात की बात है पहले ट्राई करो तो ट्राई करके अच्छा फील हो रहा है तो फैंटास्टिक नथिंग लाइक इट Gorang. Yes, it's phenomenal. I'm telling you, it's a beautiful mall to visit. अगर आप में से कोई भी कभी भी दुबई आए तो दुबई मॉल जाने से पहले आप इब्न बतूता आएँ उसके बाद दुबई मॉल जाएँ दुबई मॉल इज़ ऑल्सो वो तो आइकॉनिक इसलिए है बिकॉज वो बहुत बड़ा है इट इज़ द लार्जेस्ट एंड एक्चुअली इट इज़ द लार्जेस्ट तो उसकी तो ये खासियत है क्योंकि वो बड़ा बहुत है तो आपको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा मॉल है ओके ये देखो आई एम इंटरप्टिंग माई सेल्फ एंड शोइंग यू दिस ये देख रहे हैं आप मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं आई एम श्योर ये कुछ झरोखा जैसा लग रहा है मुझे और दिस हैज़ अ सिग्निफिकेंस हाँ सी तो मैं आपको जैसे बताई थी कि इस मॉल में कोड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट चाइना कोड इंडिया कोड पर्शिया सो सी ये हम एंटर कर रहे हैं Another coach, Tunisia coach. अब यहाँ का जो आर्किटेक्चर है दैट्स अगेन डिफरेंट यहाँ पे थोड़े से कियोस्क बाहर लगे हुए हैं देखो जैसे
ये है कि ये इसका इसका जो ये स्काई बनाया हुआ है उन्होंने, सो इट्स लाइक दिस, मतलब जिनको आप आम भाषा में ऐसे बोलोगे कि थड़ियाँ ये वो है। एकदम अलग हो गया, अभी अभी का आर्किटेक्चर ऐसा हो गया अंदर से ना, पूरा डेकोर बदल गया है। सो दिस इज़ द स्पेशलिटी दैट डिफरेंट कोर्ट्स हियर हैव डिफरेंट आर्ट टू शो। बिना शॉपिंग के मॉल कौन जाता है मैम? मैं जाती हूँ, बताया तो अभी। अब देखो एक और सुंदर जगह दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे भी आप बहुत सारे लोगों की फ़ोटो देखेंगे। ये देखिए नक्काशी, सो चलो मैं यहाँ पे थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ। बाय बाय उमा जी। मिमी फिल्म देखी गौरांग? नहीं मैंने अभी तक नहीं देखी है, कैसी आप बताओ, देखें या नहीं देखें? चाय की थड़ी नहीं, मॉल की थड़ी। थड़ी सुनते ही कितना चाय याद आती है ना। कियोस्क भी बोला था मैंने, तो वो तो नहीं सुना आपने। सो द पीपल हु हैव जॉइंड इन, आज का लाइव जो है हमारा वो बाहर से है, बतूता मॉल से है। देखो शैंडलियर्स फिर से बदल गए हैं, मैं आपको नए शैंडलियर्स दिखाती हूँ। ये देखिए आप शैंडलियर्स फिर से बदल गए हैं, एंड द आर्ट इज डिफरेंट। आई लव द सीलिंग्स ऑफ दिस मॉल यार, इतना मज़ेदार है ये देखना। ये देखो वाओ, लुक एट दिस इब्न बतूता मॉल। मतलब आई कैन लुक एट दी सीलिंग ना फॉर आई डोंट नो, मतलब फॉर लॉन्ग मैं देख सकती हूँ चटकी लगा के कि कैसे इन्होंने बनाया है। सी दिस इज लाइक अ स्काई, वो तो मैंने आपको दिखाया ना। तो या कैसा लग रहा है आपको मॉल? Are you liking it? Mobile covers, if you want. हाँ अब मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। क्योस्क सुनने का सीन नहीं हुआ क्योंकि थड़ी से चाय पीने का मज़ा ही अलग है। ओह अच्छा, ओके सी जो अगर पेरेंट्स हैं, जैसे पेरेंट्स आए किसी के, तो आप ये वाली कार भी ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग नहीं चल पाते हैं और बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स नहीं चल पाते हैं, सो आई एम श्योर यू कैन जस्ट हायर दिस। आई गेस ये कुछ तो इसके पैसे होंगे, आई हैव टू आस्क, अब वो काफ़ी आगे चले गए हैं, वरना मैं आपको पूछ के बताऊँगी कि ये फ्री है या नहीं। सो अगर ये रुकते हैं सो आई विल आस्क कि ये जो कार है विद इन द मॉल चलती है, बिकॉज़ दुबई की जो ख़ासियत है ऑफ कोर्स शॉपिंग है, पीपल कम हियर फॉर शॉपिंग टू सी द मॉल्स, बिग बिग मॉल्स। तो यहाँ पर इस तरीके का जो जैसे कहते हैं ना कि अंदर एक व्हीकल होना बड़ा ज़रूरी है कि वो थ्रू द मॉल आपको लेकर जाए। बहुत सारे ओल्ड लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बट दे कांट रियली वॉक, सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू हैपन। ओके दिस इज़ द फूड कोर्ट, सारे यहाँ पे ब्रांड्स हैं खाने के, मैकडोनल्ड्स, KFC, डोमिनोज़,
कार में बैठ के लाइव करिए। देखिए वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे को तो चलना पसंद है। कार में बैठ के फिर मैं ऐसे धीरे धीरे आपसे बातें करके वो नहीं, आनंद नहीं उठा पाऊंगी ना मैं। दुबई इज़ बोरिंग लोकेश। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि दुबई इज़ बोरिंग। अभी तक तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, और बहुत सारे लोगों को नहीं लगता। आई थिंक आपको मतलब लग सकता है, देयर इज़ अ चॉइस फॉर एवरीथिंग। ओके, कनेक्शन, सॉरी फॉर द पुअर कनेक्शन। ये देखो आप, ओके, तो प्रतीक ने बताया कि द कार इन दिस मॉल, जैसे कि मैं आपको बताई थी कि कार कुछ पैसे लेती होगी शायद, तो इट टेक्स 5 dirhams, मतलब 100 rupees इन इंडिया INR। तो आप वो बिल्कुल ले सकते हो, एंड यू कैन सी द मॉल। तो ऐसा नहीं है कि जब आपके पेरेंट्स कहें ओ हो इतना बड़ा मॉल है हम क्या करेंगे, तो आप उनके लिए गाड़ी हायर करेंगे। थैंक यू प्रतीक फॉर टेलिंग। सो या, सो दिस इज बेसिकली, काफ़ी टायरिंग हो जाता है। मतलब अगर आपको शॉपिंग नहीं करनी जैसे, और अगर करनी भी है, तो दोनों के लिए ना आपको एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। इफ़ यू आर रियली विजिटिंग टू दीज मॉल्स एंड यू कॉन्ट क्रिप अबाउट इट, क्योंकि वो ऐसा ही है। इट्स अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, इट्स अ पैटर्न लाइक दिस दैट पीपल वॉन्ट टू शॉप इन मॉल्स एंड दे वॉन्ट टू रोम अराउंड सी, एंड दे लाइक बिग आर्किटेक्चर्स एंड बिग बिल्डिंग्स। सो इट इज़ हाउ इट इज़। तो ऐसा नहीं है कि ये क्या है, बड़ा बोरिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक इट्स द वे एवरी कंट्री एवरी सिटी इज, अपनी अपना स्टाइल है सबका। दुबई का ही स्टाइल है। वहाँ की करेंसी कैसी है दिखाऊँ? हाँ दिखा सकती हूँ वैसे मैं, मेरे पास है। वेट वेट, आई विल शो यू। ओके, आई विल शो यू 50 dirhams। आई हैव 50 dirhams का नोट हियर। सी, दिस इज 50 dirhams, एंड आई विल शो यू द अदर साइड। या, दिस इज 50 dirhams। ओके, देख ली, ऐसे देख लो। या, so that's the currency for you. अभी कह रहे better than Noida malls. Of course, बिल्कुल, मतलब मैं better नहीं कहूँगी, different. I would say different. Of course, यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ आर्ट है जो मैंने आपको दिखाई है, वो हमारे इंडिया की मॉल्स में मैंने नहीं देखी है। तो ऑफकोर्स ये अच्छा है, अच्छा लगता है ऐसा आर्ट देखना, इट्स डिफरेंट। लोकेश, आप व्लॉग बनाते हो? नहीं, मैं व्लॉग कभी कभी बनाती हूँ, हमेशा नहीं बनाती, बट यस, यूजुअली पीपल आस्क मी। So yes, I can make like this, I'm doing. If you're liking it, very good. Let me know, जब मैं ये वाली वीडियो अप करूँगी, तो just like and share it if you want to show people कि दुबई का मॉल कैसा है, कैसा दिखता है और क्या क्या है वहाँ। So you can show. यहाँ का ना हमारा जो इंडिया में मैक्स स्टोर, तो आपने देखे ही है, बहुत सारे कॉलेज के लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर है मैक्स। मतलब मुझे याद है कि मैंने अपने कॉलेज में मैक्स से बहुत शॉपिंग करी है। तो जब मैंने यहाँ पर मैक्स देखा, आई वाज लाइक वाओ, मेरे कॉलेज की यादें ताज़ा हो गई मैक्स देखकर। और मैक्स यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर लाइक करते हैं मैक्स की कपड़े और क्वालिटी ऑफ क्लॉथ्स को। सो लोकेश, तुम मेरे पहला सब्सक्राइबर बनोगे मेरे YouTube चैनल पर। ना अराउंड 300 सब्सक्राइबर्स हैं, तो तुम जाओ और वहाँ पर अपना सब्सक्राइबर बनो।
मैं वहाँ पर ये वाली वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो उसको लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। पूरा मॉल अगर कवर करने की कोशिश करें तो कितना टाइम लग सकता है अकॉर्डिंग टू यू? सी, इफ़ यू आर रियली चार्ज्ड अप और अगर आपको एक दिन में पूरा इम्बदूता मॉल देखना है तो अपने हाथ में आप कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगा के चलो, और बिना गाड़ी के एटलीस्ट यू हैव टू गिव इट टू इम्बदूता मॉल। एंड यू नो वॉट, यहाँ पर मैं दुबई मॉल विज़िट कर चुकी हूँ, इम्बदूता मॉल देख चुकी हूँ, मॉल ऑफ एमिरेट्स देख चुकी हूँ। दीज आर द मेजर अट्रैक्शंस फॉर पीपल हु कम हियर एंड वॉन्ट टू विज़िट। सो आई वुड रियली टेल यू, इम्बदूता मॉल इज़ माई फेवरेट। नॉट, ऐसा नहीं है कि वो दोनों नहीं हैं, बट इम्बदूता मॉल टॉपिंग द चार्ट्स है। मतलब क्योंकि यहाँ पर एक तो ये जो आर्ट है वो मुझे देखना बहुत पसंद है, फील डिफरेंट है, एंड यू गेट, मतलब शॉपिंग करने का ना यहाँ पर मन ज़्यादा करता है मेरा। और दुबई मॉल इज़ रियली एन अट्रैक्शन, वहाँ पे जितना वो ह्यूज है और वो जितना बड़ा है ना, वो देखना मुझे लगता है फैसिनेटिंग होता है, इसलिए लोग दुबई मॉल ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाना। एंड दुबई मॉल में कुछ कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं, जैसे अलबेक आ गया है जो सऊदी का बहुत फेमस एक रेस्टोरेंट है, फिर बुर्ज खलीफा एकदम सामने है, दैट इज़ द मेजर मेजर अट्रैक्शन। सो दुबई मॉल हैज़ इट्स ओन ब्यूटिफुल थिंग्स। तो आप 5 घंटे दिन के लेकर चलो कि आपको 5 घंटे अच्छे से डेडिकेट करके इम्बदूता मॉल को दो आप, तो अच्छा लगेगा। सिनेमाज भी हैं यहाँ पर, मतलब आई हैव कवर्ड हाफ, ऑलमोस्ट हाफ तो नहीं कहूँगी, अभी यहाँ से बात करते हो 3/4 मॉल मैंने आपको दिखा दिए। सो बाकी जो है वो दूसरी साइड है, वो हम किसी और दिन करेंगे, बिकॉज आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स दिस, सो आई थॉट लेट्स शो यू। दुबई के पीपल का बिहेवियर कैसा होता है ये बताएं मैम, फूड कल्चर के बारे में बताएं, एंड इंडिया इंडियन पीपल को कैसे ट्रीट करते हैं दुबई लोग? देखो मुझे तो बिहेवियर बहुत अच्छा लगा है, ऐसा मतलब अभी तक मैं तो अच्छे बिहेवियर वाले लोगों से ही मिली हूँ, दे आर वेरी गुड। अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे किसी की तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, इट्स अ सिंपल रूल, इफ़ यू आर डिसरिस्पेक्टिंग समवन द अदर वन विल ऑल्सो डिसरिस्पेक्ट। तो वही है, अगर आपको इज्जत चाहिए तो इज्जत देनी होगी, मेरा तो यही रूल है। तो मैं तो अच्छे से ही बात करती हूँ किसी से, और मुझसे भी कोई अच्छे से ही बात करता है, सो आई हैव मेट ओनली गुड पीपल। और लोगों के साथ कैसा व्यवहार है वो, ऑफकोर्स व्हेन, जैसे आप थोड़ा टाइम रह लेते हो या मान लो कि आप जॉब कल्चर में आते हो तब आप ज़्यादा इसके बारे में जानते हो। तो राइट नाउ आई वुड से द बिहेवियर इज़ गुड, एंड आई थिंक दे आर वेरी लाइक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हियर जो यहाँ रहते हैं, एंड उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं यहाँ पर, सो आई एम श्योर दे वुड बी हैविंग अ वेरी गुड रिलेशन विद द बिग पीपल हियर, और मे बी विद द नॉर्मल जो उनके बिजनेस में उनसे मिलते हैं, मुझे लगता है अच्छा ही है। सो आई कॉन्ट रिली से अभी के मतलब कैसा है एग्जैक्टली, बट मुझे लगता है अच्छा ही है ओवरऑल। मैं जा चुकी हूँ दुबई, मैंने आपको बताया ना दुबई मॉल तो बुर्ज खलीफा भी मैं जा चुकी हूँ, बट इफ़ यू वॉन्ट टू रियली सी बुर्ज खलीफा एंड लाइक अ वीडियो लाइक दिस, तो ऑफकोर्स मैं आपको बुर्ज खलीफा भी दिखाऊंगी। और वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एक देखने वाला, वो ना वो कैसा है वो एक्सपीरियंस, फाउंटेन एक्सपीरियंस है वो, कि मतलब फाउंटेन आपके सामने ऐसे चल रहे हैं, एंड इट्स लाइक अ फाउंटेन काइंड ऑफ शो। सो ओके आई विल स्टॉप नाउ। तो फाउंटेन शो होता है वहाँ पे, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि आपके सामने लाइट्स और पानी दोनों नाच रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे फायरवर्क्स हो रहे हैं, दे आर बेटर देन फायरवर्क्स आई वुड से। तो बुर्ज खलीफा अगर आपको देखना है तो ऑफकोर्स आई कैन शो दैट टू यू व्हेन आई गो। हैव यू लर्नड उर्दू? नो आई हैवंट लर्नड उर्दू, बट आई हैव रेड उर्दू अ लॉट एंड आई लव स्पीकिंग, मुझे उर्दू भाषा बहुत 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 पसंद है।
गौरांग पूछ रहे हैं क्या आपने दुबई की मेजर टूरिस्ट स्पॉट एक्सप्लोर कर लिए हैं। अभी कई स्पॉट्स को एक्सप्लोर करना बाकी है। हाँ, मेजर मैंने जैसे आपको बताया कि ये सारे मैंने मॉल्स देख लिए हैं, ये मेजर्स में ही आते हैं। और डेजर्ट सफारी मैंने कर ली है, उसकी वीडियो मैं डालूँगी। बाय द वे मैं हर संडे, हर महीने के दो संडेज़ को अपनी वीडियोस डालती हूँ, एक फर्स्ट संडे को और एक फोर्थ संडे को, अबाउट दुबई एंड दुबई में जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ यूट्यूब पर। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, आपको पता चलता रहेगा कि व्हेन आई एम पुटिंग द वीडियो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, यूट्यूब चैनल से उपासना है उसका नाम, SAYUPASNA। सो ये सीन है। बाकी हाँ, मैं जैसे जैसे एक्सप्लोर करती जाऊँगी आपको बता दूँगी। मैंने खोर फकन की भी वीडियो डाली है अभी संडे को, विच इज़ नॉट इन दुबई, आउटसाइड दुबई। इट्स लाइक अ वीकेंड गेट अवे। ये सी, ये बहुत अच्छा एक स्टोर है यहाँ पे, मुझे बहुत पसंद है, मोमोसो। सो यू गेट एवरीथिंग, लाइक जो मिनीसो है ना इंडिया में, मिनीसो जो स्टोर्स हैं, इट्स सेम, मोमोसो एंड मिनीसो, दे हैव द सेम सिमिलर थिंग्स। एंड द क्वालिटी ऑफ मोमोसो इज़ वेरी गुड। जैसे मैंने कुछ कुछ फेस प्रोडक्ट्स भी लिए हैं, कॉस्मेटिक्स भी लिए हैं, तो दे आर वेरी गुड। और होम प्रोडक्ट्स भी हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है मोमोसो। लोकल शॉप्स डेकोरेटेड इन नाइस वे, यस यस, एवरीथिंग इज डेकोरेटेड वेल हियर। थैंक यू अभी फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। सो या नाउ आई थिंक आई शुड डू थोड़ा सा शॉपिंग या विंडो शॉपिंग। और आप जो हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस, एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक सच वीडियोस फ्रॉम आउटसाइड दुबई, मैं तो मास्क में ही रहूँगी, और जब मैं अपनी शक्ल दिखा पाऊँगी कहीं पर तो दिखा दूँगी, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू फॉलो द रूल्स एज एवरी वन इज़ फॉलोइंग हियर, एंड आई वॉन्ट मी टू बी सेफ एंड अदर्स टू बी सेफ। सो जस्ट टेल मी इफ यू लाइक दिस वीडियो। और मुझे हाँ, एक चीज़ और भी चाहिए आपसे कि आप इस वीडियो को शेयर करें टू द पीपल हुम यू वांट कि देखिए ये है इब्न बतूता मॉल ऑफ दुबई। ओके, सो आई विल कैच यू नेक्स्ट वीक ऑन ट्यूसडे, बट बिफोर दैट ऑफ कोर्स मैं वीडियोस को अपलोड करती रहूँगी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डूइंग इंटरव्यूज़ ऑल्सो, श्वेता सुब्राम के साथ मैंने इंटरव्यू किया अभी, और आने वाले दिनों में कुछ और सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ। सो I will just say, just be in touch here, connected, so we can talk. Chalo, see you all. Bye bye. Have fun. Take care.